नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जियो फाइबर के प्रीपेड प्लान्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रीपेड प्लान्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपको लेकर आगे आया हूँ। यहाँ पर जो है मंथली प्लान रेंटल है, और इसके बाद यहाँ पर प्लान लिखे हुए हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर मंथली प्लान रेंटल में यहाँ पर जो प्लान का प्राइस रहेगा वो यहाँ पर आगे तक जाएगा, और इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ₹399 वाले प्लान के बारे में। तो दोस्तों जो ₹399 का जियो फाइबर का प्रीपेड प्लान रहेगा, इसमें आपको ट्रूली अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, जो कि 30 Mbps यानी 30 Mbps की स्पीड के साथ मिलेगा। अनलिमिटेड वॉइस की बात करें, जो कि फ्री वॉइस एनीवेयर इन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर आप वॉइस कॉल कर सकते करेंगे तो वो अनलिमिटेड वॉइस रहेगी और फ्री रहेगी। उसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना, सिर्फ ₹399 का मंथली आपका जो है बिल जाएगा जनरेट होकर। अब इसमें इससे नीचे आता है OTT ऐप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड। OTT ऐप सब्सक्रिप्शन जो इंक्लूडेड होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो OTT ऐप्स क्या होते हैं? OTT ऐप्स होते हैं दोस्तों ये जो यहाँ पर एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉट स्टार, सोनी लिव, जी फाइव, वूड सेलेक्ट, और यहाँ पर ये एक और एप्लीकेशन है, इसका पता नहीं नाम क्या है, मैं दिखाई नहीं दे रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, और SunNXT होइचो, और ये बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, ये ऐप्स हैं जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अब इससे दूसरा अगला जो प्लान है उसमें ₹699 का रेंटल जाएगा आपका, 30 दिन का, एक महीने का होता है। इसमें आपको जो स्पीड मिलेगी वो 100 Mbps की, यानी 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। अनलिमिटेड वॉइस इसमें भी रहेगा, और OTT ऐप्स इसमें आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 699 से ऊपर वाले प्लान पर जाते हैं, जो कि ₹999 का, इसमें आपको 150 Mbps के साथ इंटरनेट मिलता है, और यहाँ पर अनलिमिटेड वॉइस मिलती है, और 14 एप्लीकेशंस का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड हो जाएगा, जो कि ₹1000 का मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। इसके साथ ही यहाँ पर अगला प्लान है ₹1499 का, जिसमें आपको 300 Mbps की स्पीड से इंटरनेट मिलेगा, और इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स रहेंगी, और 15 ऐप्स वर्थ ₹1500 यानी ₹1500 का जो 15 ऐप्स हैं उनका मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में इस प्लान के साथ आपको मिल जाएगा। इससे अगला जो प्लान है ₹1499 के बाद वो है ₹2499 का, जिसमें आपको 500 Mbps की स्पीड से इंटरनेट मिलेगा, और इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेंगे, और 15 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि ₹1650 का मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। इसके बाद आता है आपको ₹3999, यानी ₹1 कम है इसमें, पूरा ₹4000 का प्लान आप इसे मानकर चल सकते हैं, और इसमें 1 Gbps की स्पीड से आपको इंटरनेट मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट हो जाता है, प्रीमियम इंटरनेट आप इसे कह सकते हैं, एकदम सुपर फास्ट स्पीड चलती है, और इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेंगी आपको, 15 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि ₹1650 मंथली का अगर आप अलग से लेते हैं तो पड़ेगा, लेकिन वो इसमें आपको फ्री मिल जाएगा। इसके बाद है जो सबसे इनका प्लान है जो जियो फाइबर का प्रीपेड प्लान, वो ₹8499 का प्लान है। इसमें भी आपको 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, और अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेंगी, और OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जो कि 15 ऐप्स इसमें आपको फ्री मिलेंगी, और ₹1800 का मंथली सब्सक्रिप्शन जो होता है 15 एप्लीकेशंस का, वो आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों जिस भी नंबर से आपको अपना जियो फाइबर का कनेक्शन है उसी नंबर पर आपको अकाउंट बनाना है इन सभी एप्लीकेशन पर, तो आपका जो है प्रीमियम जो है इंक्लूड हो जाएगा, और आप बिना किसी बेरोक टोक के इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस नंबर पर जियो फाइबर प्रीपेड प्लान्स ले लेते हैं उससे अलग नंबर से इन पर इन एप्लीकेशंस पर अकाउंट बना लेते हैं। जैसे मानकर चलिए आपने किसी दूसरे नंबर से जो है नेटफ्लिक्स पर अकाउंट बनाया, और किसी दूसरे नंबर पर आपका जियो फाइबर का प्रीपेड प्लान है, तो उस समय में ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस भी नंबर से आपने जियो फाइबर का प्रीपेड प्लान लिया हुआ है उसी नंबर से आपको रजिस्टर करना है नेटफ्लिक्स पर। भले ही आपका पहले से नेटफ्लिक्स पर अकाउंट हो, तो आप जियो फाइबर वाले नंबर से नेटफ्लिक्स पर अकाउंट बनाएं, तभी आप इसका फ्री सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठा पाएंगे, और अपने स्मार्ट टीवी या मोबाइल लैपटॉप पर इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे जियो फाइबर के सभी प्रीपेड प्लान्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, 7, यहाँ पर 7 फ्री प्रीपेड प्लान्स हैं जियो फाइबर के, जिन्हें आप अपनी
पसंद और अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हाई नहीं चाहिए यानी आपका ठीक ठाक में काम चल जाता है तो आपको 399 रुपये वाला प्लान ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा थोड़ी और अच्छी स्पीड चाहिए थोड़ी यूट्यूब पर अपलोडिंग के लिए या फिर किसी वीडियो देखते हैं तो स्ट्रीम करते हैं तो उसके लिए आपको 699 वाला ले लेना चाहिए। और अगर आप इससे अच्छा लेना चाहते हैं जैसे अगर आप ऑनलाइन कोचिंग देते हैं तो उसके लिए आप 999 या 1499 वाला भी प्लान ले सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट प्लान है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप पर काम रहता है और आपके घर में 2-3 स्मार्ट टीवी लगे हुए और आप अच्छा चाहते हैं तो आपको कम से कम 2499 वाला लेना चाहिए। इसके अलावा आपको 3999 रुपये वाला प्लान बेस्ट रहेगा जिसमें 1 Gbps की स्पीड आती है। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है और आपके घर में आपका घर का काम भी उसी से चलता है, बच्चे टीवी सब देखते हैं तो आपको 1 Gbps वाला 8499 वाला प्लान लेना चाहिए जो कि सुपर प्लान है, प्रीमियम प्लान है। और अगर आप इस प्लान को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप से मैं आशा करता हूँ कि आप 2499 वाला प्लान जो है कम से कम लीजिए, तभी आपको अच्छा इंटरनेट मिल सकेगा। और अगर आपका ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है तो आप बड़े प्यार के साथ 399 से लेकर 999 रुपये तक के प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियो लेकर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।